आपको केवल 3 दिन का उपवास करना है, आपने 11 दिन का संपूर्ण उपोषण किया। हमने 11 दिन एक भुक्त रहने के लिए कहा था, उन्होंने अन्न का ही त्याग कर दिया। महाभारत में कहा गया है अनशन यह सबसे बड़ा तप है, अनशन, और उसको उनके जीवन में साकार होते हुए मैंने केवल देखा नहीं, मैं थोड़ा तार्किक हूं, आपकी परम पूजनीय माता जी से मिलकर के मैंने उसको रिकन्फर्म भी किया था कि आपका यह अभ्यास 40 वर्षों का है। ऐसा तपस्वी कोई राष्ट्रीय नेता प्राप्त होना यह सामान्य बात नहीं है। सच बात यह है कि नरेंद्र मोदी के आने से, उनके प्रधानमंत्री बनने से हिंदुओं का स्वाभिमान जागा है, और हिंदुओं का जो स्वाभिमान जागा है ये कोई छोटी बात नहीं है। हम तो, सच बात यह है, हमने सार्वजनिक रूप से कई बार ये बात कही है कि हम एंटी मोदी नहीं हैं, बल्कि मोदी के प्रशंसक हैं, और इसलिए प्रशंसक हैं क्योंकि इतना हिम्मती और हिंदुओं के पक्ष में दृढ़ता के साथ खड़ा रहने वाला कौन सा दूसरा प्रधानमंत्री अभी तक आजाद भारत में हुआ है, बताओ ना। आज हमने सुना कि इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पधारने के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कठोर व्रत रखा। जितना कठोर व्रत रखने को कहा था उससे कई गुना अधिक कठोर व्रताचरण उन्होंने किया। मेरे पुराना उनसे परिचय है, मैं जानता हूँ वो तपस्वी है ही। नेवर मोदी देश के प्रधानमंत्री ना होते। अगर देश का प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह कोई और होते तो ये फैसला ना हो पाता।